नाम बताइए। नवीन। नवीन कहाँ से आया? मैं बागपत से। क्या होता है नवीन आपको? लोगों में पैर में दर्द रहता है, पूरे पैर में, पूरे शरीर में दर्द रहता है, लोगों तरफ से लेके पैर तक दर्द रहता है। अच्छा, आपके यहाँ तो फिर त्यागी लोग भी रहते हैं? हाँ। कौन सा गांव त्यागी का, खेकड़ा है या कोई और गांव? खेकड़ा, खेकड़ा में, खेकड़ा से। बड़ा गांव भी तो होता है ना? हाँ, बड़े गांव हमारे गांव के पास ही है। अच्छा अच्छा, खेकड़े के पास भी जैसे बड़े गांव, रटोल वगैरह, रटोल रटोल वगैरह। और साकरूद है, मोग। आपको क्या होता है? लोगों ने सर में दर्द वगैरह रहता, पैर में ये दर्द रहता था, घबराहट, एक ही तरफ घबराहट भी। हाँ, एक ही तरफ ये वगैरह, सांस भी बंद हो जाती है। नाक का ऑपरेशन भी करा चुके हैं लोगों, डॉक्टर से भी आराम नहीं पड़ा। मैंने 8 साल से डॉक्टर को दिखाया। कौन कौन से डॉक्टर? मैंने पूरी दिल्ली के दिखा दिए। मुझे तो लगता है दिखा दिए, जो दिखाता है डॉक्टरों के वो डॉक्टरों के नाम भी जानता है। हर जगह दिखाया, हिंदू राव में, जर्नल में, और ये पंथ में भी। नहीं नहीं, वो मेंटल जो है कौन सा, इवास हॉस्पिटल, इवास में भी मतलब दिखाया। क्या मेंटल का मतलब क्या था? मतलब वो कह रहे थे नाक अब ठीक हो गई, ऑपरेशन हो गया, तो इन्हें वैसे भी दिखा लो। तो कि इसको मेंटल प्रॉब्लम है? नहीं, जैसे सर में दर्द रहता है, दिक्कत रहती है, तो उसमें मेंटल का डॉक्टर का क्या? घबराता था ना जी, घबराता था, भूल जाते थे, टक्कर मारते, द्वारा में टक्कर मारने लगते थे ऐसे। अरे कहीं ना कहीं ढूंढो बेटे यहाँ, या तो इस नीम पे, वहाँ आराम से चढ़ के देखो, कहीं ना कहीं छत्ता जरूर है जो वो है मधुमक्खी का आस पास में, या फिर वहाँ छेड़ दिया किसी ने छत्ता, वहाँ देखो किसी पेड़ में काट लेंगे यहाँ लोगों को। ऐसा पता नहीं क्या कारण है, जब भी तबीयत खराब होगी रात में ही होगी दिक्कत किसकी। हाँ, तो 2:30 बजे तो बहुत ज्यादा। ये फिर वहाँ से फिर यहाँ आते। ये दर्द कभी भी बिना दवाई लिया जाता है? नहीं, ये मेरे को दवाई लेके जाते हैं, आधे घंटा आराम पड़ता है, उसके बाद फिर ऐसे हो जाता है। अभी आपने दवाई लिए कितना टाइम हुआ? मैंने दवाई तो सुबह मॉर्निंग में ली थी मैंने, 7 बजे। 7 बजे? अभी तो आधा घंटा नहीं था जब मेरे पास बैठे थे, दर्द था। हाँ, दर्द तो अब नहीं है। कहाँ है दर्द? अब तो कहीं भी नहीं है मेरे को। अब नहीं है मेरे को दर्द। पक्का? पक्का नहीं है। कभी झूठ बोलो? नहीं नहीं, अब नहीं है। कभी तेरे को मेंटल स्ट्रेस हो तो इसलिए कभी मेरे सामने बैठ के ये कहते कि नहीं मेरे को भाई, मैं नहीं मारूंगा यार, मैं नहीं मारूंगा, मना कर दिया था ऐसे कुछ। मेरे को अब दर्द है ही नहीं, मेरे को डॉक्टरों ने मना किया। हाँ, ऐसे क्या किया? वो कह रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, रिपोर्टें भी सारी नॉर्मल आती है, सारी नॉर्मल तरीके से बात भी तो कर रहे हैं ना, वो एबनॉर्मल तो था ही नहीं वो पहले से। अगर आपको दर्द बॉडी में कहीं है तो वो चुभेगा कि नहीं? जब आदमी को अपने शरीर का इतना, अभी आपको दर्द कहाँ है? अब मेरे को कहीं नहीं है। आंखें बंद करो। मैंने आपको कहाँ मारा था पहले? अपने यहाँ पे मारा। आंखें बंद करो फिर से। 128। मैंने पेन कहाँ लगाया? आपको अपने पूरे शरीर का भान है, पागल को तो भान नहीं होगा। फिर नेट चला गया। इतनी बुद्धि आपके पास भी है, इतनी बुद्धि सभी के पास है। आगे ना, नेट चला गया, वैसा ऑन कर ले। हो गया 120। 5G वाला। 24 घंटे तैयार रहता सुन के किसी किसी भी टाइम बुला लेता रात को, खराब होते ही। देख लो कहाँ रहते हो? ये सागर रहते हैं, हम छात्रा रहते हैं, इतनी दूर से जाता है। हाँ, रात को भी, रात जब भी मेरी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है। नहीं फिर जीजा की तारीफ इसको करने दो ना, आप अपने मुँह में मुझे क्यों बन रहे? नहीं, वो तो कभी भी आ जाते, कभी भी फोन कर देते। वो कौन है जो आपके साथ? मेरी मम्मी, मेरी बहन है, मेरा भाई। अच्छा, ये छोटी बहन है? नहीं, मेरे पापा तो क्या ही नहीं बेचारे, यही है बड़े। तो आप टोटल मिला के तो यही है ना फिर सब कुछ? हाँ, तो आप बड़ी है। हाँ, उसके बाद ये भाई है। नहीं, नहीं, वो बहन है। तो इससे बड़ी है? हाँ। इसकी शादी होगी कि नहीं? रिश्ते रिश्ते भी होते हैं, बार बार क्या चक्कर है? भाई जिनका नाम बोला जाएगा वो। तेरा क्या नाम है? नवीन। और तेरा? जिनका नंबर बोला है वही आएगा। माता जी बैठ जाओ। माता जी कभी मुंह क्यों लगा रहा है यार, तभी कमाल कर रहा है, पूरा का पूरा टोटली माता जी। पूरी फैमिली को जल्दी से एक ही जगह कैप्चर कर रहा हूँ गुरु जी। आप कैप्चर कर रहे हैं, बीच में रिश्ते की बात चलती है, खत्म हो जाती है। दोष है ना, पहले दोष निकलेगा। ये रात में घर में घुसता है, जब रात में इतना परेशान करता है सोते हुए को, तो फिर कैसे नहीं? कहाँ है अभी दोष? दर्द ढूंढो। मेरे को तो कहीं भी नहीं है, नहीं मेरे को तो कहीं भी नहीं है। यही बैठना है एक घंटे तक मुझे बताना। देखो पैन कट गया है ना, एक घंटे तक मुझे बताना यही बैठ के कि दर्द हुआ कि नहीं हुआ। दर्द आता है, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं देखता हूँ सलाह कौन है जो तेरे साथ। 8 साल से तो मैं दिखा रहा हूँ, कभी इतनी जल्दी कहा ही नहीं कि आराम आया है। डॉक्टर इंजेक्शन लगवा के 3-4 लगवा का इंजेक्शन, जब भी आराम नहीं आया।
जिस टाइम इसको सुई लगेगी उस टाइम बिल्कुल जैसे सुई तंत्र पे होगी इसका दर्द गायब होगा, पूछ ले उससे। ऐसी है, ऐसे है कि नहीं है? मैं बता दूंगा, जीते जी आप डॉक्टर की सुई से डरते हो, मरने के बाद भी आप डॉक्टर की सुई से डरते हो। डॉक्टर इसमें क्रेडिट अपना ले लेता है, वो कहता है देखा मैंने ठीक कर दिया, जबकि उसका कोई क्रेडिट नहीं है। उससे नकारात्मक ऊर्जा कभी भाग नहीं सकती, ये बात लेकिन मनु भैया जानते हैं, डॉक्टर नहीं जानता। इसलिए डॉक्टर जीत में है, और इसलिए भी जीत में है क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत सारे उपकरण है और वो चाहता है कि मेरे उपकरणों का और मैंने जो डिग्री पैसे में ली है उसका पूरा उपयोग हो और मैं लोगों से पैसे ले सकूं। और मेरा ये पेशा है और डॉक्टर का पेशा ही है, सेवा नहीं है, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। इसलिए अगर सेवा होती डॉक्टरों की तो पहले जैसे वैद्य गरीब हुआ करते थे, ये डॉक्टर अमीर कैसे हैं? आए नहीं समझ में? आज दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर हैं सारे अरबपति हैं, खरबपति हैं, आपको ना पता हो तो। उनके बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं कि मनु भैया के बच्चों ने उतना बड़ा स्कूल आज तक देखा नहीं है। विदेश में पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं तो मेडिकल लाइन में ही हूँ सर। हाँ, उनके बच्चे बार बार विदेश में पढ़ रहे हैं। बस तू ज्यादा मत बोल, कभी तेरी नौकरी छूट जाए। आपका आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। हाँ।